पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सिविल लाइन स्थित होटल राजमहल में पंजाबी महिला संगठन का वैसाखी उत्सव आयोजित किया गया। उत्सव में जहां भरपूर मनोरंजन का समा था, वहीं बच्चों एवं बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। रितु नारंग ने वेलकम डांस प्रस्तुत किया। वीना अरोड़ा द्वारा अध्यक्षीय भाषण दिया गया। विभिन्न प्रस्तुतियां की गईं, जिसमें लवली, मोना, मीटू, डिंपल, प्रीति, राजेंद्री, अनीता, मीनू, सुनीता, अंजू, रीना, प्रिया और शशि ने भाग लिया। गिद्दे की प्रस्तुति पर सबने बहुत आनंद लिया एवं भरपूर तालियां मिली। कक्षा 10 और 12 में 90% से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों को भी सम्मानित किया गया। मीनू अरोड़ा ने डांस प्रस्तुत किया। सभी कार्यक्रम का दर्शकों द्वारा भरपूर आनंद उठाया गया। सभी ने प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त जो सदस्य कोई बिजनेस करते हैं, उन्हें उत्साहित करने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। सभी ने स्टॉल पर जमकर खरीदारी की। कार्यक्रम के अंत में जय कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अंजू त्रिपाठी, लवली एवं मीनू द्वारा किया गया। सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया और जो बच्चे पंजाबी समाज के जिन्होंने 90% से ऊपर नंबर आए थे उनके, और हमने उन्हें भी सम्मानित किया। आज के मकसद हमारा ये है कि हमारा मकसद खाना पीना मुर्दंगबाजी नहीं है। आज जो हमने ये संस्था में हमारे 200 मेंबर हैं और शहर की सबसे बड़ी संस्था है हमारी ये, और जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम गरीब लोगों गरीब लड़कियों की शादी भी गरीब लड़कियों की शादी भी करेंगे और महिलाओं को जिनकी पंजाबी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, हम उनका संस्था की तरफ से विवाह करने की पूरी कोशिश करेंगे।